Hello everyone, I am Manisha and you are learning logic with me. So today we will begin with model logic. क्योंकि exam 23rd को ही है तो हम direct system K करेंगे. But system K को समझने से पहले कुछ चीजें जरूरी हैं. So पहले हम मुझे समझेंगे and उसके बाद we'll do system K today. So model logic, सबसे पहले we need to know that what is model logic? Why we call model logic and what is the need of model logic? So model logic, model means क्या, which like qualifies the truth of a sentence or a proposition. Okay, तो model is what is relating to the modes. Okay, relating to the mode. And what is mode? Mode is like किसी भी sentence या proposition की possibility, necessity and other things like it is obliged to or many other things. So in our syllabus, we will deal with the possibility and necessity only. So, its example is like, she is happy. So, now, she is happy. She is necessarily happy. She is possibly happy. So, these words, necessary, possible, these are the models. Okay. So, which tell the actual truth about the sentence or the proposition. Then, we have... the modality. So modality is what? Like the classification of a proposition on the basis of its contiguity, possibility, necessity, etc. Okay, so this is model logic. Now the need of model logic. Model logic ka need ye hai ki propositional logic mein kya hai? Ki propositional logic mein कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन पर कुछ ऐसे प्रोपोजिशंस हैं जिन पर हम जब प्रोपोजिशनल लॉजिक के रूल्स लगाते हैं तो वहाँ पर वो ट्रू हो जाता है. बट जब हम यूनिवर्सली उसे देखते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है. दैट्स वाई हम यहाँ पे पॉसिबल और एक्चुअल वर्ल्ड्स की बात करते हैं मॉडल लॉजिक में. अब क्या है कि सिस्टम के में या फिर मॉडल लॉजिक में हम प्रोपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यू पता लगाने के लिए, लाइक वैलिड है या इनवैलिड है उसे पता लगाने के लिए हम ट्रूथ ट्रीज का यूज करते हैं, जिसको कि यहाँ पे टैबल्यू लिखा है हमारी बुक में और मतलब टैबल्यू भी बोलते हैं. सो ट्रूथ ट्री के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. लाइक ए होर्सू बी, ये ब्रांच है जो ऐसे है, ये this is branch or this is stack and this is branch. तो इन formulas को हम use करते हैं हमारे table, truth table बनाने के लिए, sorry truth tree बनाने के लिए. So these are the rules. आप एक बार इनको देख लो, because we have less time, so I'm not going to explain these in this video and then we'll move further. So we will see a simple example of truth tree. ये paper में ऐसा simple नहीं पूछते हैं, वो model operators के साथ पूछेंगे. But we need to know कैसे truth tree form करते हैं. That's why we are learning this first. So कैसे करते हैं truth tree में, क्या होता है? That branch बनती है, जैसे formulas में था कि A horseshoe B का formula क्या होता है? Negation A B. तो ये branch है, तो branch बनती है. तो हर एक ब्रांच में हम देखते हैं, अगर मुझे मिल जाए एक ब्रांच में ए और नेगेशन ए, या फिर कोई भी ऐसा वेरिएबल बी सी डी जो भी, कि बी नेगेशन बी, तो क्या होगा? ब्रांच क्लोज हो जाएगी. अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ब्रांच ओपन रहेगी. ब्रांच क्लोज हो जाएगी तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, ब्रांच ओपन रहेगी तो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगा. सो दिस इज द रूल टू चेक वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी थ्रू ट्रूथ ट्रीज. तो अब कैसे करते हैं हम, कि हमारा रूल ये है कि हम कंक्लूजन को निगेट करते हैं. तो यहाँ पे हम कंक्लूजन को निगेट कर लेते हैं लाइक दिस. अब सबसे पहले हम कंक्लूजन को ही सॉल्व करते हैं. कंक्लूजन और एक और इसमें हम इजी रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनको पहले सॉल्व करेंगे जिनसे ब्रांच बन रही है. लाइक फॉर्मूला में क्या होता है कि नेगेशन, उनको पहले सॉल्व करेंगे जिनमें स्टैक बन रहा है. ये कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, जैसे कि आपको सिंपल लगे एक स्ट्रक्चर आने के लिए. सो नेगेशन ए होल्स टू बी का फॉर्मूला क्या होता है,
इसका रूल होता है ए नेगेशन बी। तो यहाँ पे स्टैक होते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं, पहले ब्रांच वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट जो सिंपल लगे। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, नेगेशन ए होर्स टू बी वाला रूल लगाएंगे, तो क्या आएगा, ए नेगेशन सी दिस रूल। देन यहाँ पे हम ये वाला रूल लगाते हैं इन दोनों के लिए, प्रेमाइसिस के लिए भी हमें सबको सॉल्व करना है, नीचे से शुरू करके ऊपर तक या कैसे भी। सो ए होर्स टू बी क्या होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने नेगेशन ए बी, सो नेगेशन ए एंड बी। नाउ ये तो यही, ये वाली ब्रांच तो यही क्लोज हो गई, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे है नेगेशन ए और यहाँ पर है ए, तो ये क्लोज हो गई। नाउ इस वाली ब्रांच को सॉल्व करेंगे और ये बचा है हमारे पास रूल लगाने के लिए, तो हम यहाँ पर रूल लगाएंगे नेगेशन बी और सी। तो ये वाली ब्रांच भी क्लोज हो गई, नेगेशन बी और बी ब्रांच क्लोज्ड, सी नेगेशन सी ब्रांच क्लोज्ड, सारी ब्रांचेस क्लोज है तो ये वैलिड है। अगर एक भी ब्रांच ओपन रहती तो इनवैलिड होता। ओपन कैसे रहती, जैसे यहाँ पे सी है और ऊपर नेगेशन सी कहीं भी नहीं होता तो ये ओपन रहती, तो हम आगे सॉल्व करते, पर आगे सॉल्व करने के लिए हमने इस पे भी रूल अप्लाई कर दिया, इस पे भी कर दिया, इस पे भी कर दिया, तो कुछ है नहीं तो इनवैलिड हो जाता। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म ट्रूथ ट्रीज। ओके आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, कि आप ये सिंबल देख रहे होगे जो मैंने रूल्स लिखे थे उसमें, और मॉडल लॉजिक में आपको ये बहुत दिखेगा ये और ये, तो ये कुछ नहीं है, ये डॉट है कंजंक्शन के लिए, जो डॉट हम यूज करते थे प्रोपोजिशनल लॉजिक में, यहाँ मॉडल लॉजिक में हम ये सिंबल यूज करते हैं, दिस इज फॉर कंजंक्शन एंड दिस इज फॉर निगेशन, बाकी सब होर्सू वगैरह हम सेम ही यूज करते हैं। सो नाउ द मॉडल ऑपरेटर्स, सो दिस इज कॉल्ड बॉक्स सिंबली एंड दिस इज डायमंड। So box is for the necessity, it shows the necessity. So it is necessarily the case that A, and for possible this diamond is that it is possibly the case that A. So like she is necessarily happy, she is possibly happy, like that. And here like when you see one somewhere, like this V A, so this is function here. So I'm not going into the deep because of the time constraint. So V is for function. So at A, this is A is 1. So yahan pe matlab hai at function, in function A, this is true. Function A is true. Aur 0 hota to function A is false. Aur agar yahan pe main W laga do to at world Z, at world A, at world V, at function whatever, world 1, A is 1, that is A is true. Okay. तो इसका system K में तो कोई use नहीं है, but counter model में we might use it. So for model operators we have 4 more rules. ओके तो ये जो रूल्स हैं इनको हम जब मॉडल ऑपरेटर्स के साथ में हमारे पास क्वेश्चन होता है वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करने के लिए तो हम ये रूल्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर नेगेशन बॉक्स ए है एट द वर्ल्ड आई, ये आई क्या है, वर्ल्ड आई, ये वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं आई जे 0 1 2 जो भी लिखते हैं। एंड ये क्यों है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वर्ल्ड में हर सेट में कुछ ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स आर मैमल्स, एक एनिमल्स का सेट है और वहां पे आया दैट एनिमल्स आर मैमल्स, तो वो एक इस वर्ल्ड में यानी कि एनिमल्स के सेट में तो ट्रू है दैट ऑल मेंबर्स ऑफ दिस सेट आर मैमल्स, वो एनिमल्स वो मैमल्स का सेट है तो वो तो ट्रू हो गया वहां पर। लेकिन वहीं पे अगर हम नॉन मेंबर्स के सेट में देखेंगे तो वो ट्रू नहीं होगा कि हर मेंबर इस क्लास का मैमल है, वो ट्रू नहीं होगा किसी और सेट में, लाइक किसी चीजों के सेट में हो या कोई नॉन मैमल ऑर्गेनिजम्स के सेट में हो, सो लाइक दैट।
हर वर्ल्ड में, हर क्लास में हर चीज ट्रू नहीं होती. दैट्स व्हाई यहाँ पे हम वर्ल्ड्स को मेंशन करते हैं मॉडल लॉजिक में. तो क्या कि नॉट नेसेसरी ए एट आई, अगर ऐसा हमें दिखता है तो उसका मतलब है पॉसिबली नॉट ए, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देन है अगर नेसेसरी ए एट आई और आई आर जे, आई आर जे मतलब क्या है, दैट आई इज रिलेटेड टू जे. आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन, इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू वर्ल्ड्स. एंड आर इज अ रिलेशन का क्या मतलब है, दैट जे, जे इज एक्सेसिबल इन ए, यानी कि जे को हम आई में भी देख सकते हैं. जे इज एक्सेसिबल, जे आई में भी आ सकता है, एक्सेसिबल है आई में, इसका ये मतलब है. वेन एवर लाइक जीरो है कोई वर्ड और आर लिख दिया कैपिटल या स्मॉल वन, तो इसका मतलब है कि जीरो इज रिलेटेड टू आई. दैट मीन्स जीरो रिलेटेड टू वन, दैट मीन्स दैट वन, वन इज एक्सेसिबल इन जीरो, लाइक दैट. तो जब हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है बॉक्स ए एट आई और आई रिलेटेड टू जे भी ऑलरेडी है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए एट जे. ये ध्यान देना है दैट ए एट जे है, जे न्यू वर्ल्ड में. लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ जीरो रिलेटेड टू वन और मेरे पास ये था बॉक्स ए एट वन जीरो, तो अब मैं लिखूंगी ए एट वन नॉट एट जीरो. देन वी हैव पॉसिबल के रूल्स, पॉसिबिलिटी के, दैट नेगेशन पॉसिबल ए एट आई, तो वो जाएगा क्या, नेसेसरी नेगेशन ए एट आई. पॉसिबल ए एट आई, तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या, इसमें हमें पहले से चाहिए दैट नेसेसरी वाले केस में रिलेशन वर्ड्स का पहले से चाहिए, ये पहले से चाहिए, तो ये लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या, सिर्फ ये है, सिर्फ ये हमारे पास है, तो हम न्यू वर्ल्ड ओपन कर सकते हैं. तो ये बहुत लोगों का डाउट रहता है कि जब हम ट्रू ट्री फॉर्म कर रहे होते हैं तो न्यू वर्ल्ड कब ओपन करना है, न्यू वर्ल्ड कब ओपन करना है, जब आपके पास पॉसिबल ऑलरेडी है, तो आप न्यू वर्ल्ड अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हो. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर न्यू वर्ल्ड, द रूल आई मीन. सो दिस इज अबाउट द मॉडल ऑपरेटर्स का रूल्स. सो नाउ वी लुक एट वन एग्जाम्पल कि मॉडल ऑपरेटर्स के होते हुए ट्रूथ थी कैसे फॉर्म होता है. तो ये पेज नंबर 25 पे जो हमारी बुक है ग्राहम प्रीस्ट की, उसी पर है. सो ये सेकेंड एग्जाम्पल है, वही कर रही हूँ. तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैंने दे रखा है ना, यानी कि ये पूरा कंक्लूजन ही है. तो ये कंक्लूजन है, हम क्या करते हैं ट्री फॉर्म करने के लिए, सबसे पहले कंक्लूजन को नेगेट करते हैं. So we'll simply negate the conclusion. And इसका मतलब होता है and. तो here we need the formula. Formula क्या था? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे पास क्या है, हमारे पास already हमारे पास मॉडल ऑपरेटर्स हैं, यानी कि नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी बताई हुई है, तो हम उसको वर्ल्ड्स में लिखते हैं, दैट एट वर्ल्ड जीरो, दिस पूरा एट वर्ल्ड जीरो. अब नेगेशन ए होर्स टू बी, नेगेशन ए होर्स टू बी, ए है एंटीसिडेंट एंड ये कॉन्सिक्वेंट और ये मेन ऑपरेटर है. तो नेगेशन ए होर्स टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए नेगेशन बी. So I will write that, and always we have to write at world zero, and negation possible A and possible B, like that. अब हम इसपे formula apply करते हैं. Negation A and B क्या होता है, negation A, negation B at zero. तो अब नेगेशन पॉसिबल ए एट वर्ल्ड क्या हो जाता है, नेगेशन पॉसिबल है तो क्या हो जाता है, नेसेसरी नेगेशन ए एट जीरो. ये जो अभी हमने फोर रूल्स देखे थे मॉडल ऑपरेटर्स के, उसमें पॉसिबल का फर्स्ट रूल जो है, और ये भी ऐसे
necessary negation be at zero. Like this. अब हमें क्या करना है? अब we have applied formula. We have this. So जहां पर भी possible हमें दिखता है, पॉसिबल वाले का सेकेंड रूल विच आई टोल्ड, जहां पे हम न्यू वर्ड ओपन कर सकते हैं. अगर हमारे पास ये है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जीरो रिलेटेड टू नया वर्ड, दैट इज आई. सो वन, तो जीरो रिलेटेड टू वन मैंने लिखा. अब हम जीरो रिलेटेड वन लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? ए एंड बी क्या होता है? ए बी. ए एंड बी का फॉर्मूला होता है ए एंड बी, राइट? ए बी होता है. तो इसका फॉर्मूला हुआ ए एट वन और ये बी एट वन. यहां पे भी यही हुआ, ए एट वन एंड बी एट वन. और जब हमारे पास ये होता है नेसेसरी नेगेशन, नेसेसरी ए एट जीरो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? और नेसेसरी जब हमारे पास होता है नेसेसरी ए एट जीरो और जी आई रिलेटेड टू जे, यानी अगर ये होता है नेसेसरी ए एट आई और आई रिलेटेड टू जे, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए, हम लिख सकते हैं ए एट वन. नेगेशन ए, नेगेशन ए क्योंकि ये नेगेशन ए है. और ऐसे यहां पे नेगेशन बी एट वन. तो अब हमारे पास नेगेशन ए है एट वन और ए है एट वन, तो ये ब्रांच क्लोज हो जाएगी. और नेगेशन बी है और नेगेशन बी एट वन है और बी एट वन है, तो ये भी क्लोज हो जाएगी. दोनों ब्रांच क्लोज हो जाएगी, दैट मीन्स इट इज वैलिड. यहां पे मैं थोड़ा सा दोबारा बता देती हूं कि ऑपरेटर कैसे अप्लाई किया. यहाँ पे क्या था कि पॉसिबल जब भी हमें दिख जाए तो हम न्यू वर्ल्ड ओपन कर सकते हैं. वी ओपन अ न्यू वर्ल्ड हियर एंड हियर ऑल्सो, क्योंकि हमें सारी ब्रांचेस को लेकर चलना होता है. देन वी हैड दिस, इसका हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. ए एंड बी का रूल क्या होता है? ए बी. तो हमने लिख दिया यहां पर ए एट वन बी एट वन, क्योंकि अब नए वर्ल्ड में नए वर्ल्ड की वर्ल्ड को ही लिखेंगे. तो अब ये है मेरे पास, जब नेसेसरी ए एट आई होता है और आई रिलेटेड टू जे होता है तो ए एट जे हो जाता है फॉर्मूला, जो हमने नया रूल देखा था. तो अब यहाँ पे नेगेशन ए को हमने लिया, इसलिए नेगेशन ए एट वन और सिमिलरली नेगेशन बी एट वन. तो अभी हमारे पास नेगेशन ए एट वन है और ए एट वन है, इसलिए ब्रांच क्लोज हो गई. सिमिलरली यहां पर भी क्लोज हो गई नेगेशन बी और बी की वजह से, तो दोनों ब्रांचेस क्लोज हो गए, इसलिए वैलिड है. आई होप द थिंग्स आई टोल्ड आर क्लियर. सो फॉर दिस क्लास विल कीप इट हियर ओनली, एंड हम एक्सटेंशन ऑफ के और ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज आई थिंक इट्स टू मच फॉर वन क्लास. एंड आई सजेस्ट दैट यू सॉल्व few questions, like 4 or 5 questions of 2-3s with the modal operators, like the last question we did, similar questions you solve, so that you will know ki kahan par kaise new world open karna hai, because that is important. And then we'll deal with the system K and extensions. Thank you for watching, and please subscribe to my channel and press the bell icon so that you don't miss any of the videos. And practice. All the best. Bye bye.